नमस्ते दोस्तों, उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो जरूरतमंद लोग हैं दोस्तों उनके पास जिससे कुछ भी नहीं रहता, आलू रहता है तो उसी का बनाकर जैसे बनाते हैं और जैसे दोस्तों बचपन में हम लोग भी बनाकर खाए हैं, बहुत ही बढ़िया रहता है और पेट भर के खाते हैं, खुश रहते हैं। तो चलिए मैं वैसे ही आप लोगों को बनाकर दिखाते हैं। तो जैसे कि हमने रख लिया है, अब ये ईंधन को चूल्हे के रखे हैं। तो सबसे पहले मैं चूल्हे में आग को जला लेती हूँ। तो चूल्हे में आग को हमने जला लिया है, अब इस पे रख देते हैं जैसे कि चावल बनाने के लिए। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। अब हम चावल को धो लेते हैं। तो अब हम धुला हुआ चावल जचकी में डाल देते हैं। अब हम चावल को चलाकर ढक देते हैं पकने के लिए। अब इस तरह हम आलू का छिलका उतार लेते हैं। तो ऐसे ही आलू का छिलका हम उतार लेते हैं। तो आलू का ही हम दोस्तों जो सब्जी हम बनाएंगे उसको तरकारी भी बोलते हैं और आलू का जूस भी बोलते हैं गांव में। ऐसे ही आप लोगों को बनाकर दिखाएंगे, तो आप लोग हमारे वीडियो जरूर लास्ट तक रखना। तो दोस्तों ये जो तरकारी हम बना रहे हैं तो जो जरूरतमंद लोग हैं दोस्तों उन्हीं के घर ये सब सब्जी बनता है। तो चावल को हम चला देते हैं। देखिए चावल उबलना स्टार्ट हो गया है, चला कर ढक देते हैं। अब मैं आलू को धो लेती हूँ। तो दो पानी से हम आलू को धो लिए हैं। तो आलू में हम पानी डालकर आलू को काटेंगे क्योंकि अभी हमें मसाला भी तैयार करना है जिससे आलू हमारा कलर ना चेंज हो। तो इसमें दोस्तों आप लोग इस रेसिपी में आप लोग छोटा बड़ा आलू काट सकते हैं, लंबा भी काट सकते हैं, गोला भी काट सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आलू को काट रही हूँ, ऐसे ही ज्यादातर काटा जाता है। तो आलू को हमने काट लिया है, अब हम मसाले को तैयार करेंगे। तो अब हम मसाले को तैयार कर लेते हैं। प्याज का छिलका उतार कर काट लेते हैं छोटा छोटा। तो अब हम प्याज को छोटा छोटा काट लेते हैं। तो हम लहसुन को भी काटते हैं, ये भी बहुत नरम है, इसका छिलका नहीं उतारेंगे, ऐसे ही इसको पीसेंगे। मिर्चों को भी छोटा छोटा काट लेते हैं और इस तरफ धनिया और गरम मसाला हमने रखा हुआ है तो सभी को एक में मिलाकर हम पीसेंगे। तो सिलबट्टे को हमने साफ कर लिया है, इस पे हम मसाले को रखकर पीसते हैं। तो एकदम महीन हमने खड़ी धनिया हमने लिया हुआ है, तो एकदम महीन हम मसाले को तैयार करेंगे। तो मसाले को हमने पीस लिया है, अब मैं थाली में मसाले को उठा लेते हैं। तो चावल हमारा पक चुका है, अब मैं जिसकी को उतार देती हूँ। उतार के इस चूल्हे पर रख देते हैं और इस चूल्हे पर रख देते हैं कढ़ाई सब्जी बनाने के लिए। तो अब इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। तो तेल गर्म हो चुका है, इसमें डाल देते हैं प्याज और ये दो बड़ी। तो हमने मिर्चा थोड़ा सा कम डाला हुआ है, बड़ी को डाल दिया है दो थे। तो देखिए हमारा ये ब्राउन कलर का हो गया, इसमें डाल देते हैं हम मसाले। तो कढ़ाई हमारा थोड़ा सा ज्यादा गर्म है, इसको धीरे धीरे हम चला देते हैं। अब इसी समय हम डाल देते हैं हल्दी। तो मसाले को हम चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे और आप लोग इसमें आलू पहले डालकर आलू को भी तल सकते हैं और पहले मसाले को भी डाल सकते हैं, दो तरीके से हम लोग पहले बनाकर खाते थे। तो मसाले को चलाते हुए अच्छे से हम पकाएंगे। तो मसाले को हमने बहुत अच्छे से पका लिया है, देखिए तेल निकलना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें आलू डाल देती हूँ। तो मसाले में मैं आलू को
अच्छे से भुनेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से बता दूं कि ये जो आलू की सब्जी मैं बना रही हूँ, कि जब बनाती हूँ मैं तो मुझे बचपन की याद आ जाती है, क्योंकि हम लोग भाई बहन जब हमारे यहाँ आलू की खुदाई हो जाती थी तो लगातार 2-3 महीने गर्मियों के सीजन में जब कुछ भी सब्जी नहीं रहता था तो लगातार यही सब्जी बनता था और हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद था। हम लोग मांग मांग कर खाते थे साथ में बैठ कर। तो वही सब्जी मैं आप लोगों को बनाकर दिखा रही हूँ, आप लोग ज़रूर लास्ट तक रखना। मेरी फेवरेट सब्जी बचपन की यही है। तो मैं अब इसे ढक कर पकाती हूँ। तो अभी हमने पानी नहीं डाला हुआ है तो उसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, तो थोड़ा सा और हम पकने देते हैं। तो रोटी बनाने के लिए हम आटे को तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे ही आटे को हम गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। तो आलू हमारा थोड़ा सा पक चुका है, देखिए कट रहा है। अब इसमें हम पानी डाल देती हूँ। तो दोस्तों पहले तो सब्जी ऐसी बनती थी, परिवार के हिसाब से पानी डाला जाता था, आलू चाहे कम हो चाहे बेसी। तो अब इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो स्वाद अनुसार नमक तो हमने डाल दिया है, अब नमक को हम मिला देते हैं। तो दोस्तों सब्जी हमारी बन चुकी है, ये देखिए जो इसका जो ग्रेवी है दोस्तों, हम लोग एकदम पतला ही बनता था और सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही टेस्टी रहता है इसका जो ग्रेवी है। अब थोड़ा सा आलू हम तोड़ देते हैं कलछुल के सहारे, तोड़ने से थोड़ा सा ग्रेवी गाढ़ी भी हो जाएगी। तो कलछुल से हमने आलू को थोड़ा सा तोड़ दिया है और ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई, देखने में दोस्तों बढ़िया लगता है, ये देखिए। अब मैं कढ़ाई को उतार देती हूँ। तो चावल को मैं उतार देती हूँ नीचे और ये कढ़ाई को इसी चूल्हे पे हम रख देते हैं और इस चूल्हे पे हम रखेंगे तावा रोटी बनाने के लिए। तो उस तरफ तावा हमारा गर्म हो रहा है, इस तरफ मैं रोटी को तैयार करती हूँ। तो चकइयों को हम छोटा छोटा काट लेते हैं। तो चकइयों को सूखा आटा लगाकर हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब हम रोटी को बेलते हैं। तो रोटी को हमने बेल लिया है, अब मैं तावे पे डाल देती हूँ। तावा भी हमारा गर्म हो गया है तो रोटी को हम पलट देते हैं। तो दूसरी रोटी को हमने बेल कर तैयार कर लिया है। तो ये वाली रोटी जो है देखिए सीटी पड़ चुका है इस तरफ, आप लोग दिखा देते हैं। अब इसको मैं उतार देती हूँ और ये वाला रोटी डाल देती हूँ तवा पे। तो ये रोटी हमारी फूल चुकी है, इसको हम घुमा घुमा कर पका लेते हैं और इस वाली रोटी को हम पलट देते हैं। तो रोटी को राख को झाड़ कर मैं इस पर थाली में रख देती हूँ। तो ऐसे ही रोटियों को हम बना लेते हैं। तो रोटियों को हमने बना लिया है, ये लास्ट है, इसको भी हम बना लेते हैं। अब तावे को हम उतार देते हैं। तो ये भी रोटी हमारी फूल चुकी है, अब इसको हम घुमाकर अच्छे से पका लेते हैं। तो राख को अच्छे से झाड़ लेते हैं। तो रोटी हमारी बन चुकी है, अब मैं खाने को परोस लेती हूँ। तो जैसे मेरी मम्मी भाभी लोग खाना परोसती थी वैसे मैं परोस रही हूँ। देखिए मैंने चावल रख दिया है, उसके ऊपर रोटी और उसके बाद सब्जी। तो ऐसे ही गांव में सब्जी खाना को परोसा जाता है। तो आज का खाना हमारा बनकर तैयार है। हमने बनाया दोस्तों तरकारी, उसे आलू का जूस भी कहा जाता है, उसके साथ रोटी चावल। तो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक रखें, इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद।